हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शाही अंदाज में। आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल हटकर रेसिपी। कोफ्ते तो आपने बहुत खाए होंगे अलग अलग अंदाज में और अलग अलग स्टाइल में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एग कोफ्ता, शाही एग कोफ्ता। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा शाही एग कोफ्ता। सबसे पहले हमें बॉयल एग चाहिए 4 से 5, टमाटर की प्यूरी जो हमने पहले से ही तैयार करके रख ली थी, और प्याज चाहिए हमें बारीक चॉप किया हुआ दरदरा, 3 से 4 हरी मिर्च, बेसन, अरारोट, किचन किंग मसाला, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा। 2 एग चाहिए हमें कच्चे बाइंडिंग करने के लिए, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। हमने बॉयल्ड एग ले लिया है और हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। इसका येलो पार्ट हम अलग करेंगे, इसका येलो पार्ट अलग करना है और इसको हमें बारीक बारीक कट करना है। बॉल्स बनाने के लिए ऐसे ही हम अपने 4 से 5 एग को कट कर लेंगे। हमने बॉयल एग को काट कर तैयार कर लिया है बारीक बारीक। हमने बारीक कटा हुआ बॉयल एग ले लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन डालेंगे, थोड़ा 3 से 4 चम्मच अरारोट, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया पाउडर 1 चम्मच, किचन किंग मसाला 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधी चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच अदरक का पेस्ट। बॉल्स को बाइंड करने के लिए हम इसमें कच्चा एग डालेंगे। ये देखिए हमने एग डाल दिया है, हम 2 एग डालेंगे। हमने दोनों कच्चे एग्स डाल लिए हैं। अब स्वाद के अनुसार सबसे लास्ट में हम नमक डालेंगे। अब हम अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बॉल्स बनाने के लिए। हमने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है बॉल्स बनाने के लिए। चलिए अब बॉल्स बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके अपनी हथेली में रख के इसकी बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए हमने ऐसी सारी बॉल्स तैयार कर लेनी है फ्राई करने के लिए। हमने अपनी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है, आइए इनको फ्राई कर लेते हैं। हमें लो फ्लेम पर फ्राई करनी है सबसे पहले। हमारी एग बॉल्स फ्राई
फ्राई हो चुकी हैं। दूसरी साइड से इसको पलट लेते हैं। ये देखिए हमें इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। इसको धीमी फ्लेम पर ही पकाएं क्योंकि एग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल एग है। हमारी बॉल्स बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। आइए अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमारी बॉल्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं, एग बॉल्स। आइए अब हम शाही एग कोफ्ता बनाकर तैयार करते हैं। आइए हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरा डालेंगे। प्याज, हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। थोड़ी ग्रीन चिली डाल देते हैं। एक चम्मच हमें अदरक का पेस्ट डालना है, लहसुन का पेस्ट को भी हम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। हमारा प्याज अदरक लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमें इसको थोड़ा और पकाना है। हमारे प्याज अदरक लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। एक स्पून धनिया पाउडर जाएगी, एक चम्मच। एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच किचन किंग मसाला और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अपनी फ्लेम धीमी रखनी है। हमारे सभी मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आइए अब इसमें टमाटो प्यूरी मिला लेते हैं। टमाटो प्यूरी के साथ हमें मसालों को 10 से 5 मिनट के लिए धीमी फ्लेम पर पकाना है। थोड़ा हमें हल्दी पाउडर चाहिए, हल्का सा डालेंगे हल्दी पाउडर। हमारी ग्रेवी लगभग बनकर तैयार होने वाली है। ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1 से 2 एग का येलो पार्ट डालेंगे, जो हमने पहले से ही निकाल कर रखा हुआ था। इसको हाथों से मैश कर देंगे। इसको भी मिला लीजिए। सबसे लास्ट में हम बेसन अरारोट का हमने 2-2 चम्मच लेकर घोल तैयार किया था। हमें ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए 2 चम्मच घोल डालना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। आइए अब हम इसमें एग कोफ्ते को डालते हैं और मिक्स करेंगे हम अपना एग कोफ्ता। शाही एग कोफ्ता बनकर तैयार होने वाला है। ये देखिए हमने इसको ग्रेवी में मिक्स कर लिया है।
अब हम इसमें पानी डालेंगे एक ग्लास। ग्रेवी आप अपनी इच्छा के अनुसार बनाएं, आप जितनी गाढ़ी ग्रेवी या पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। हमने एक ग्लास पानी डाला है शाही एग कोफ्ते के लिए। हमारा शाही एग कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना यमी बना है। आइए अब इसको सर्व कर लेते हैं। आइए शाही एग कोफ्ते को प्लेटिंग कर लेते हैं। शाही एग कोफ्ता बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। देखिए कितना टेस्टी है। गर्मा गर्म शाही एग कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना यमी है। वाओ यमी कोफ्ता, शाही एग कोफ्ता। फ्रेंड्स अगर आपको शाही एग कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगली वीडियो मिलते हैं शाही अंदाज।